हाँ तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं अब अपने गंतव्य की ओर। और साथ में बैठे हमारे जोगी जी। सर्दी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। अश्वनी हाय। तो हम लोग बस तैयार हैं, बिल्कुल कुछ कर कर चुके हैं। अभी दिल्ली में हैं, दिल्ली से निकल कुछ टाइम में निकल जाएंगे बाहर और पहुंच जाएंगे। बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे। सेल्फी स्टिक ले लीजिए ना। हाँ, गिम्बल और सेल्फी स्टिक दोनों ले। आपने ब्लॉग भी शुरू किया था सुबह? मैं टाइम नहीं रह गया ब्लॉग बना ना, मैं भूल जाता हूँ ब्लॉग करना। चलो तुम कहीं जब पीछे रुकेंगे तो वहां से मेरे फोन थोड़ा करो। तो रखी है क्योंकि जी हवा सही चल रही है। बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, अगली ठंड है। अब तो हम लोग रोहतक रोड पे आ गए हैं, हरियाणा की तरफ। हरियाणा में आ गए हैं, तेल गिरवा लिया है, हवा चेक करा लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। यहाँ तो बड़ी ठंड है। हवा है, हवा वाला भी बैठा है आपका? आओ बैठे ना। चाय पी लीजिए। खाने में मेथी आलू की सब्जी, घर के पराठे और साउथ इंडियन फ्लेवर के साथ में फ्राइड इडली। और आज मकर संक्रांति का दिन है तो खिचड़ी भी है, साथ में अचार है। अचार में कम खाता हूँ। और जो होटल पे यहाँ का स्पेशल है वो इनकी खीर है। खीर दिखाओ। तो ये है आज घरेलू भोजन खा रहे हैं हम लोग। जोगी जी कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया लग रहा है, खाना बहुत अच्छा है। और ये जो भारतीय संस्कृति है, खाना खुद खाओ और दूसरा भूखा रहे, ये विकृति है। खुद खा लो ये प्रकृति है, और सबको खिलाकर खाओ यही हमारी। भाई सब एक लेनी है, चार लेनी है। चाय चार लियो। चार भाई देख लेना, बाकी एंगल मैं अभी आ गया हूँ सालासर बालाजी। आप अपना काम कर लेना, मैं व्हाट्सएप या फोन पे तो उपलब्ध हूँ।
हम पहुंचे रोहतक रोड, योगी जी अंदर बैठे हुए और कितने अमरुद खिलाएंगे आपको दोस्तों, देखिए ये अमरुद है, ठीक है। चिड़ावा, ये चिड़ावा जगह है तो यहाँ के सुना कि पेड़े बहुत बहुत मशहूर हैं, योगी जी ने बताया। आप इस तरह क्या ज़्यादा हाँ बाकी आप कराओ। तो हमने पेड़े ले लिए गुरु जी को देने के लिए और चलते हैं यहाँ से आगे, अभी दो घंटे का रास्ता और बचा जाने के लिए। अभी 32 मिनट का रास्ता है, 32 किलोमीटर है, गेट लगा दिया, अच्छी बात है। विकास सुनील जोगी है गाइस, तो हम पहुंच गए सृजन होटल सालासर। जोगी जी पहले आ गए ऐसे बना। तो दोस्तों हम लोग आ गए होटल में, चेक इन कर लिया और अश्वनी अपने ऑफिस के काम में लग गए। हाँ जी चाय पीने में लगे हुए हैं भाई साहब, ग्रीन टी और काम करने में लगे हुए हैं। चलो और चेंज कर लेता हूँ मैं कुछ, है ना, मुंह धो लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। तो हम चल रही है बालाजी महाराज की तरफ, यहाँ पे धर्मेंद्र भैया जी मिले हैं और अब हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं, वो पूछते हैं। तो भैया के सौजन्य से आज दर्शन होंगे, आप बजट का कुछ धन्यवाद धर्मेंद्र जी को, मुझे बता दें या अनलिमिटेड है जो बोले वो। ये मार्केट एरिया है और यहाँ पे हर वाहन आ नहीं पाता है। मैं बहुत प्रयास कर रहा, दसियों साल से मैं प्रयास करता हूँ, मैं साला सर करूँगा, कहाँ है मुझे पता भी नहीं था, दसियों साल से मन में था और अचानक से उस दिन जय भैया से बात। दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे राज सर हमें ढूंढ रहे थे, वो अंदर गए थे हमें ढूंढने, हम उनको बाहर ढूंढ रहे थे, अब मिल गए हैं राज सर और जोगी जी, होटल पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, अब हम पैदल जा रहे हैं होटल।
रास्ते मार्केट से होते हुए जाएंगे, देखते हैं कुछ पसंद आया तो चलेंगे। हमने देसी घी के लड्डू लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ से। दोस्तों होटल में आ गए हैं, बैठे हुए हैं। उनका फोन आ गया। थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे अब जहाँ पे कथा चल रही है गुरु जी की। और क्या बजे बोले आप? यहाँ पे चर्चा चल रही है, सुबह करिए, कल तो है। अश्विनी साहब चाय के बाद कॉफी क्या है ना, और एक मोह है कि आज मकर संक्रांति और शनिवार और जोगी जी, तो ये है कि जब दर्शन तो प्रभु के फ्री होते हैं, फिर जब मिले तब हाँ जब ही मिल जाए ऐसा सोचा। आज भी कर ली, कल भी कर ली। इस टाइम हम पंडाल की तरफ जा रहे हैं जहाँ गुरु जी राम भद्राचार्य जी महाराज जी हैं। बना ली सरकार रसिया, ऐसे बहुत सारे गीतों को आपने सुना होगा। तो उन्होंने चलो हम चित्रकूट के धाम गीत लिखा, उसमें गुरु जी की महिमा को विशेष करके गाया है, और विश्वविद्यालय के विषय में, आश्रम के विषय में, गुरु जी के विषय में आपने बहुत विस्तार से गाया है। उस पोस्टर भी मैं विमोचन कर रहे हैं गुरु जी, उसका एक बार तालियों के साथ आप लोग अभिनंदन करें। और मैं और इनकी प्रसिद्ध कविता तो एक श्वास तक चलती है, एक श्वास बहुत लंबा होता है, लगभग 10-15 मिनट तक वह कविता चलती रहती है, सब जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। अब मैं उन्हीं आदरणीय पद्मश्री सुनील जोगी जी से प्रार्थना करूंगा वे अपने काव्य का वाचन करने का अनुग्रह करें। आई जी सालासर के इस पावन धाम में मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव के 74वें जन्मदिवस पर आने का अवसर मिला है। गुरुदेव का जन्मदिन है तो मैं दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा कि जन्मदिन मुबारक हो आपको बधाई हो, मैं अकेला हूं, आप बहुत लोग हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा आपकी आवाज हुई थी। ये लाइन आपको जब मैं कहूंगा तो सबको गाना है, हम सम्मिलित स्वर में गुरुदेव के जन्मदिन को मनाएं कि जन्मदिन मुबारक हो आपको बधाई हो, द्वार पर सदा सुख की बजती शहनाई हो। अब सुनना कि चांद के सितारों की उम्र आप पा जाए, मैं वही एक लाइन आप दोहराइए ताकि मैं सुना कि चांद के सितारों की उम्र आप पा जाए, वक्त के अंधेरों में आप जन्म जा जाए। गुरुदेव चांद के सितारों की उम्र आप पा जाए, वक्त के अंधेरों में आप जगमगा जाए, वक्त के अंधेरों में आप जगमगा जाए, ऐसा यश मिले जिसको देवता तरसते हो, यूं सदा हंसे जैसे फूल हंसते रहते हो, खुशबुओं की बारिश हो चांदनी नहाई हो, जन्मदिन मुबारक हो आपको बधाई, जन्मदिन जन्मदिन मुबारक हो आपको, ओ जन्मदिन मुबारक हो आपको बधाई। तो श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, और उनके जरा से आदेश पर मैं उपस्थित होता हूँ। दोस्तों अब रात हो गई है, रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं, सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए हैं, अब सोने की तैयारी है। सुबह उठते हैं 8 बजे, 7 बजे उठेंगे, नहा के पूजा वूजा करके देखते हैं क्या कार्यक्रम किया है, कल जल्दी वापसी आ जाएंगे। तो फिर अब आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और अगले ब्लॉग को देखना, कल के दिन का जो ब्लॉग बनाऊंगा मैं वो अगला ब्लॉग होगा। थैंक यू गाइस, लव यू।